नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2021 में ही स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए आकर्षक योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इन योजनाओं के तहत अब युवाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इसका लाभ बिहार में रहने वाले हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा, अन्य को केवल 1% ब्याज देना होगा, तो वही लोन चुकाने के लिए 7 साल का समय भी मिलेगा। बताते चले कि आवेदन की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और ये योजना 18 जून 2021 को लॉन्च कर दी गई थी। तो वहीं अब नए उद्यमों के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, महिला, समान, युवा के लिए 4 अलग कैटेगरीज भी निर्धारित की हैं और हर कोटे के लिए योजना के बाकी नियम लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन सबका कोटा अलग अलग होगा। और सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गुरुवार को बीजेपी पर तंज कस दिया है। अखिलेश ने किसान सम्मेलन को लेकर बीजेपी को बातों की खेती करने वाला बताया। बीजेपी ने अब अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया है और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि अखिलेश झूठ बोलना और ट्वीट करना बंद करें। 2022 के चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। कामेश्वर सिंह ने आगे सवाल किया कि वो 4 साल तक कहां गायब थे। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि वो ट्वीट के जरिए चुनाव नहीं जीतेंगे। वो ये ना सोचें कि ट्वीट करके वो चुनाव जीत जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो जनता के बीच चलें और वहीं फैसला हो जाएगा। उन्होंने आगे ये बताया कि अखिलेश यादव के ट्वीट का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक सत्ता में रहे हैं। सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, किसानों से जुड़ी दर्जनों योजनाएं आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ जब हम मनाएं तो किसानों की आय दुगनी हो जाए। अनेक प्रकार के प्रयास भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ऐसे में कामेश्वर सिंह ने किसानों को लेकर बीजेपी की रणनीति भी बताई। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच यूपी के गन्ना का बहुल 104 विधानसभा क्षेत्र में उनके मोर्चा कार्यकर्ता जाएंगे और उनकी बात सुनेंगे। किसानों को केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं में जानकारी भी दी जाएगी। भारत में कोरोना संकट का कहर अब कम जरूर हुआ है, लेकिन महामारी अभी थमी नहीं है। देश में अभी भी रोजाना 40,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 40,120 नए कोरोना केस आए, जिसमें से 585 संक्रमितों की जांच चली गई। एक दिन में पहले ही 41,195 केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 42,295 लोग ठीक भी हुए हैं। केरल में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 21,445 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 36,31,628 हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 160 लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोविड के कारण मरने वालों की संख्या 18,280 पहुंच गई है। देश में संक्रमण के मामले और केरल में आपको बता दें कि 14.73% जो है संक्रमण दर मौजूद है और 73,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। साथ ही बता दें 83,172 मरीज फिलहाल निगरानी में हैं और देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34%, जबकि रिकवरी रेट 97.45% बना हुआ है। एक्टिव केस की बात करें तो कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत अब 11वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। जम्मू के राजौरी में बीती शाम बीजेपी नेता के घर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 3.5 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम वीर सिंह है, जो बीजेपी नेता जसवीर सिंह का भतीजा था।
इसके अलावा ब्लास्ट में 4 लोग घायल भी हुए हैं और बीती शाम जम्मू के राजौरी का खंडली इलाका ग्रेनेड धमाके की गूंज से दहल उठा। इस विस्फोट ने बीजेपी नेता जसबीर सिंह के परिवार की जिंदगी को एक ही झटके में 180 डिग्री पलट कर रख दिया है। बीजेपी के राजौरी मंडल प्रधान की तरफ से ये जानकारी सामने आई और आपको बता दें कि मंडल प्रधान जसबीर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बैठे थे कि तभी आतंकियों ने उनको निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला कर दिया। ग्रेनेड हमले में परिवार के 4 लोग घायल हो गए जबकि बीजेपी नेता जसबीर सिंह के 3.5 महीने के मासूम भतीजे की मौत हो गई। ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने बीजेपी नेता को निशाना बनाया हो। 2 दिन पहले भी अनंतनाग में भी बीजेपी से जुड़े सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी और पत्नी की हत्या कर दी गई। बता दें कि अब 15 अगस्त से ठीक पहले जम्मू के राजौरी में बीजेपी नेता पर हमले से सवाल उठ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि हमले की धमकियां मिल रही थी लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। 15 अगस्त से पहले जब पूरी घाटी में हाई अलर्ट घोषित है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है तो ऐसे में ग्रेनेड हमला हो जाना कई सवाल खड़े करता है। सुरक्षा के तमाम दावों के बीच सच तो यह है कि आतंकियों ने एक ऐसे मासूम की जान ले ली है जो अब तक मां की गोद से जमीन पर उतरा भी नहीं था। और कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। ट्विटर की तरफ से उनका अकाउंट लॉक किए जाने के बावजूद वो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम के जरिए सरकार पर निशाना भी साधा। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर कहा कि अगर किसी के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना अपराध है तो मैं दोषी हूं। अगर रेप और हत्या के पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ना अपराध है तो मैं दोषी हूं। मैं हमें एक मोर्चे पर लॉक कर सकते हैं लेकिन लोगों के लिए उठने वाली हमारी आवाज को बंद नहीं किया जा सकता। दया, प्यार और इंसाफ एक वैश्विक संदेश है और 130 करोड़ भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। डरो मत, सत्यमेव जयते। इधर प्रियंका गांधी ने ट्विटर अकाउंट लॉक करने के सवाल को लेकर एक सवाल उठाया है। ट्विटर से ही ट्विटर पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेताओं के अकाउंट्स के सस्पेंड करने के लिए ट्विटर अपनी पॉलिसी अपना रहा है या फिर मोदी सरकार की क्यों नहीं? उसने एससी कमीशन के अकाउंट में क्यों लॉक नहीं किया गया जिसने वही फोटो ट्वीट किया जिसे हमारे नेताओं ने ट्विटर पर साझा किया था। प्रियंका ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं के अकाउंट को सामूहिक रूप से लॉक करके ट्विटर भारत में बीजेपी सरकार द्वारा लोकतंत्र को कुचलने के साथ खुले तौर पर सांठगांठ कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 22 में पति द्वारा कथित रूप से गोली मारने से जख्मी हुई महिला ने दम तोड़ दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराई गई ये महिला इलाज के दौरान बीते दिन महिला ने दम तोड़ दिया। सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने बताया है कि मूल रूप से बिहार से सिवान स्थित गांव समाना विगरी निवासी उपेंद्र सिंह अपनी पत्नी सरिता और बेटे के साथ किराए के मकान में सेक्टर 22 के चौड़ा गांव में रहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि उपेंद्र का मंगलवार रात को किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसी बीच उपेंद्र ने तमंचे से सरिता के सर में कथित रूप से गोली मार दी। वर्मा ने बताया कि सरिता को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया जहां हालात बिगड़ने पर महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि गोली उसके सिर में फंस गई थी और शाम को उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। साथ ही भी बताया गया कि पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी ने चरित्र पर शक होने के चलते अपनी ही पत्नी पर गोली चला दी थी। और दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। रिहर्सल के चलते सुबह 10 बजे तक कई रास्ते बंद रहे और ऐसे में पुलिस ने इसे देखते हुए कई रूट्स को डायवर्ट भी किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। लाल किले की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के जवानों की तैनाती के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनरों को भी ऊंची दीवार भी खड़ी की गई। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली
के मुख्य रेलवे स्टेशन तक जाने वाली बसों के मार्गों को कम या फिर परिवर्तित भी किया गया। सामान्य बस सेवा सुबह 10 बजे के बाद बहाल कर दी जाएगी। और साथ ही बता देंगे, पुलिस ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के पास रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अस्पताल के वैकल्पिक मार्ग खुले रहेंगे। पुलिस ने आगे बताया कि आज अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल और स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए यातायात प्रतिबंध का सामना करना होगा। और ऐसे में लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और इसके लिंक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, रिंग रोड राजघाट से आईएसबीटी और आउटर रिंग रोड से आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक 2 दिनों तक के लिए आम जनता के लिए सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ये रास्ते बंद रहेंगे। इसी तरह की पाबंदी 14 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से लेकर 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक स्वतंत्रता दिवस के लिए लागू रहेगी। यातायात पुलिस के अनुसार 12 अगस्त की मध्यरात्रि रात 12 बजे से आज सुबह 11 बजे तक महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय कालेखां आईएसबीटी के बीच अंतर राज्यीय बसों की अनुमति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार 14 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से लेकर 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक स्वतंत्रता दिवस के लिए पाबंदियां लागू रहेंगी। ऐसे में डीटीसी द्वारा संचालित नगर बसें और आईएसबीटी और NH24 NHT पॉइंट के बीच पर रिंग रोड पर मध्यरात्रि 12 बजे से सुबह 11 बजे तक बस नहीं चलेंगी। साथ ही उन्हें उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों को लेने की आवश्यकता होगी।